साथियों दूसरे भाई गुरु भाई के बस विनती है हाय गाइस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सर्जरी ब्लॉग में आपका स्वागत है दिल से दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ भागवत कथा हो रहा है और अंतिम भागवत कथा और लंगर भंडारा भी बहुत जोर से हो रहा है दोस्तों, पूरा रस के साथ पूरा ताकत के साथ कर रहा है दोस्तों। जितना भी से जितना आदमी आ सकता है उतना से उतना लंगर में भाग ले सकता है खाना खाने के लिए दोस्तों, प्रसाद के रूप में दोस्तों। और चलिए दोस्तों आप लोग कैसे हो, दोपहर का 2 बज रहा है दोस्तों। मैं आप लोग से ये भागवत कथा का रेडियो का आवाज़ ज़्यादा आता होगा दोस्तों, इसलिए मेरा आवाज़ कम सुनाई पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ठीक ही होंगे भगवान की कृपा से और ठीक ही रहिए। और चलिए आज भागवत कथा में सुनते हैं अंतिम भाग और लंगर भी खाएँगे, भी आप लोग को दिखाएँगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा बहुत ज़ोर से रेडियो का आवाज़ आ रहा है इसलिए मेरा आवाज़ पता नहीं आप लोग को सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये तो आप ही लोग बता सकिएगा कमेंट करके दोस्तों। ठीक है चलिए भाई दोस्तों, अंतिम भागवत कथा होने जा रहा है और लंगर के साथ ये हमारा पंचायत भवन देखिए आगे बैतल चलते चलते वहाँ से अभी कर शौक से दोस्तों देखिए बच्चे को झूलाया झूल रहा है उछल रहा है जंपिंग वाला खेल। और ये बगल में पंचायत भवन है यहाँ भी देखिए, और वहाँ देखिए भागवत हो रहा है, वो सभी यहाँ का टेंट है। उसी के साथ में ये दासी पुत्र भी प्रवेश किया और जिस प्रकार से फिर सृष्टि हुई तो उसमें 10 पुत्र में 1 पुत्र देवल के नाम की तो मैं देखता हूँ बाद भोली बाबा सरकार का मैं कृपा पा शिष्य हूँ। उनके एक मेरे बड़े भाई गुरु भाई हैं, वो मैथिल ब्राह्मण है, वो थोड़ा सा वो गति ब्राह्मण है। मन कुमार भरा अच्छा सब आया चादर सतनगर आलोक कुमार सतनगर की तरफ से 20 रुपया और 30 रुपये का पुरस्कार आया है। और हमारे फिर से प्रभु सरार जी की तरफ से जो कि हमारे गांव में मेहमान के रूप में उसको बसाया गया, उन्होंने सोने चांदी आभूषण बनाने का दुकान रखा है। बहुत दूसरे गांव से आकर हमारे गांव में निवास किए हैं ताकि हमारे गांव को ये सुविधा मिल सके आभूषण का। आप उनके दुकान में उतार कर अवश्य के बाद आभूषण बनाने का काम कर रहे हैं, धन्यवाद। सब हमारे बीच विदाई की बेला आ गई है, जो जहां है बस विनती है कुछ सेकंड के लिए आप वहीं बैठे रहे, बिना प्रतिबंधन है। आप इस कमेटी के इस हमारे गुरुदेव जी के आत्मा में अभी उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए आपसे निवेदन है आप धैर्य पूर्वक 2 मिनट और बैठिए। आपके बीच विदाई का विदाई गीत लेकर आ रहे हमारे गांव के वरिष्ठ समाज सेवी नरेश बाबू जी। बोले श्री सदगुरु महाराज की, भागवत पुराण की, वही स्थान की, रचि सतगुरु मिलमै सन बन रहा है वहाँ भंडारा जो होगा, अभी जितना भी बैठने भक्तों सब बैठे हैं भागवत कथा में वो सब बिल्कुल जाके खाना खाएंगे वहाँ लंगर में। ठीक है चलिए देखते हैं लंगर। दीपक यहाँ खाना स्टार्ट हो गया है, भंडार एकदम तैयार है पूरा मग जगह से। सब बर्तन उर्तन सब तैयार हो गया साथियों देखिए, और भंडारा भी यहीं चालू है।
बगल में और खाने वाले टूट पड़ा वहाँ। भागवत कथा खत्म हो गया दोस्तों। ये देखिए सब पूरा रेशियो पकड़ लिया भीड़। सब जा रहा है देखिए वहाँ। अरे पत्ता नहीं आ रहा है, हमारे लोग जजमान जी आधे रास्ते में फंस गए हैं, श्रद्धालु के भक्तों के बीच में आ रहे हैं। दक्षिणा जो लाए हैं पंडित जी को दे दीजिए और आप सिर्फ स्वाहा। खाते हैं खाते हैं शांति शांति है तो बुढ़िया माए बोल भी नहीं करे। ए बुढ़ी माए, ए सीता माँ के बल्की भई, सीता माँ के बल्की भई बैठिए, आपके कारण पीछे खड़ा बैठिए। आ रहे हैं लंगा। चलिए साथियों अब देखिए लंगर और भंडारा चल रहा है, लंगर खा रहे हैं सारे श्रद्धालुगण दोस्तों। और अभी होम जाप हो रहा है, लास्ट पूजा है और खा के सब बहुत निकल चुके हैं। हम भी खाना खा लिए दोस्तों और हम भी चल रहे हैं अब ये होम जाप देखते हुए पंडाल में हो रहा है सरस्वती पूजा का। भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम
वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, 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 चलिए दोस्तों आप देख लिए कि हमारे यहाँ भागवत कथा ख़त्म हो गया दोस्तों, और भंडारा भी देखवे कि कितना आज आपकी भीड़ था दोस्तों, ऐसा भीड़ कभी भंडारा में नहीं होता था, और 21 जनवरी 27 जनवरी तक चला दोस्तों, और उस जगह मूर्ति बिठाया था विसर्जन के लिए, पूजा होम जाप हो रहा था दोस्तों, और हम भी खाना खा के वहाँ से निकल चुके हैं सारा चीज़ अंत करके दोस्तों। अब भसिया होगा कल दोस्तों, अब हम लोग घर जा रहे हैं दोस्तों। आज का ब्लॉग यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।